कहानी मूर्ख सिंह। अंजना वन में एक सिंह रहता था। एक दिन उसने बड़ी मेहनत से विशालकाय हाथी का शिकार किया। बूढ़ी लोमड़ी छिपकर सिंह को शिकार करते देख रही थी। विशालकाय हाथी को देखकर उसके मन में लालच आ गया। वह शिकार को हड़पने की तरकीब सोचने लगी। उसने तुरंत ही अपने मित्र घोड़े और बाज की मदद से एक योजना बनाई। सिंह जब अपने शिकार को खाने के लिए तैयार हुआ, उसी समय लोमड़ी वहां पहुंची। उसने सिंह से कहा, महाराज मुझे आप पर बहुत दया आ रही है। सिंह ने गरजते हुए स्वर से पूछा, क्यों, ऐसा क्या हो गया जो तुझे मुझ पर दया आ रही है? लोमड़ी ने कहा, महाराज यह हाथी तो हाथियों के राजा गजराज का छोटा सा दास था। इसका शिकार करना आपको शोभा नहीं देता है। यदि जंगल में कोई यह सुनेगा कि महाराज ने एक दास का शिकार किया है तो सभी आपका मजाक उड़ाएंगे। यह कहकर लोमड़ी वहां से चली गई। सिंह अभी लोमड़ी की बातों पर सोच विचार कर ही रहा था कि घोड़ा दौड़ते हुए वहां आया। उसने सिंह से कहा, महाराज आज तो आपने एक दास का शिकार किया है, जंगल में यह बात फैल गई तो आपकी बदनामी होगी। यह कहते हुए घोड़ा भी वहां से भाग गया। इतने में बाज वहां आया और चिल्लाने लगा, आज महाराज ने एक दास का शिकार किया है। मूर्ख सिंह बदनामी के डर से अपना शिकार छोड़कर भाग गया और लोमड़ी की योजना सफल हो गई। कहानी से सीख, हमेशा दो कदम आगे की सोच रखनी चाहिए। किसी के प्रभाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए।